चलिए आज मैं आपको गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेश जी का प्रिय भोग मोदक बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, बिना खोआ बिना मोल्ड का, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस तरह से मोदक बनाएं और गणेश जी का भोग लगाएं और प्रसाद अपने परिवार और आप मिलकर खाएं। चलिए आज मैं बताती हूँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाना बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट वाव मोदक, यम। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो मैं आज आप सभी को गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, बिना खोआ बिना मोल्ड का, और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, मेरा सारा मेजरमेंट इस कप कटोरी से, एक कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने दो कटोरी दूध लिया उसी कटोरी से, और यहाँ पे एक कटोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है, देख रहे हैं। यहाँ पे आधा कप मैंने गुड़ लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है बादाम और काजू वाला बादाम, इसको मैं क्रश कर लूँगी हल्का फ्राई करके। और यहाँ पे मैंने चीनी लिया है आधा कप उसी कप से, और इलायची का मैंने बुक लिया, आप चाहते इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा, और इसे मैं फ्राई करूंगी हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लाल करना है, बस हल्का इसे फ्राई कर लेना है। तो इस बर्तन में मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सूखा मैं इसी तरह गर्म हो गया बर्तन, तो मैं इसमें चावल का आटा डालकर फ्राई कर रही हूँ, देख रहे हैं। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है, और इसी तरह चलाते हुए हल्का मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। देखिए हल्का रोस्ट हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का रोस्ट करना था। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, और सेम पैन में मैं जो मैंने बादाम और काजू लिया है इसे हल्का रोस्ट इसे भी कर लेती हूँ। जैसे ये भी रोस्ट हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ, और सेम पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच के लगभग घी। देखिए 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, और इसे मेल्ट होने दूंगी। और जब मेल्ट हो जाए हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने नारियल का बुरादा लिया था उसे, और डालकर इसे अच्छे से मिला दूंगी। तो देखिए हल्का फ्राई ये भी हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच सौंफ, इसे अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने गुड़ लिया था, और डाल के इसे अच्छे से मिला दूंगी, अच्छे से मेल्ट होकर ये मिल जाए आपस में। देखिए कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया है गुड़ नारियल के बुरादे के साथ। और तो अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे जो मैंने काजू और बादाम लिया था उसे मैंने मिक्सी कर लिया है, आप चाहे तो महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है, और मिलाकर अब मैं इसे हटा देती हूँ, उसे साइड कर देती हूँ ठंडा होने के लिए। और सेम गैस पे मैं एक पैन ले लेती हूँ, और इसमें मैं डाल दूंगी जो 2 कप मैंने दूध ले रखा था, फुल क्रीम दूध है ये, और इसे मैं एक बॉयल आने देती हूँ। देखिए दूध में कितना अच्छा बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, और साथ में डाल दूंगी जो मैंने चीनी ले रखा था, इसे अच्छे से मिल दूंगी तरह से। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 2 चम्मच फिर से घी इस चम्मच से, तो 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया, और इसे मेल्ट होने देती हूँ घी को भी। तो गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे मैंने घर में तैयार किया, इसका वीडियो भी मैंने डाला है कि कैसे छाली से घी फटाफट निकलते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते हुए मिलाऊंगी, एक साथ नहीं डालूंगी वरना लम्स पड़ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें अच्छे से इस तरह से मिलाती जाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छे से मिल गया है, इसमें 1 चम्मच और मैं घी डालूंगी इस तरह से, और इसे डाल के फिर से मैं मिला देती हूँ अच्छे से। और मिलाने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्म है तो इसमें हाथ नहीं जाएंगे, तो हल्का जब रह जाए गर्म, तब जब इसमें हाथ जाने लगे तब मैं इसे सौन के दिखाऊंगी अच्छे से, तो
तक मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। देखिए इसे बर्तन में मैंने ट्रांसफर कर लिया है और हल्का ये ठंडा हो चुका है जिसमें हाथ जा सके, तो मैं इसे इसका एक चिकना डोट तैयार कर लेती हूँ इस तरह से हथेली से मसलते हुए। तो डोट तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा से डो तैयार हो गया है। इस तरह से मैं लुई ले लूंगी और हाथों की मदद से इस तरह से चिकना बना कर लूंगी इसको। तो इस गणेश चतुर्थी गणेश जी का प्रिय भोग मोदक आप भी बना सकते हैं। कितना आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से मैं कर लूंगी इसको बीच में होल। और यहाँ पे जो मैंने तैयार किया है नारियल का और गुड़ का फिलिंग, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। और डालने के बाद मैं इस तरह से इसका मुंह बंद करके इसको हाथों की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चिकना कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा से ये तैयार हो गया मोदक इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि मेरे पास मशीन नहीं है तो कैसे इसे मैं मोदक तैयार करूँ, मोल्ड नहीं होता है तो बिना मोल्ड का कैसे तैयार होता है, तो इस तरह से दिखाती हूँ। मैंने एक फॉर्क लिया है और फॉर्क की मदद से इस तरह से चारों तरफ से डिजाइन बना दूंगी। आप चम्मच की सहायता से, फॉर्क की सहायता से, किसी भी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा इससे बन जाता है। देख रहे हैं, लग रहा है ना बहुत अच्छा देखने में, और बहुत ही आसान तरीके से बन गया। तो इसी तरह से मैं सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसे आप सजाने के लिए केसर, पिस्ता या कलर किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश लगाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर। तो इसी तरह मैं सभी को तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा से तैयार हो रहा है मोदक मेरा। और मैंने इस सजाने के लिए इसमें किशमिश लगा रही हूँ, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी को तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया मोदक बिना मशीन का डिजाइन के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी बनाइए अपने परिवार के साथ इस तरह से मोदक, और बना के गणेश जी का भोग लगाइए और परिवार के साथ प्रसाद खाइए। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।